चौथे चरण के लिए 96 सीटों पर मतदान जारी है। आंध्र प्रदेश में 1 बजे तक 40.26% मतदान हुआ है। बिहार में 1 बजे तक 34.44% वोटिंग हुई है और इसी के साथ जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो 23.57% मतदान हुआ है। झारखंड में 1 बजे तक 43.80% मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश में 48.52% मतदान, महाराष्ट्र में 30.85% वोटिंग हुई है। वहीं ओडिशा की बात कर ले तो 39.30% मतदान हो चुका है। तेलंगाना में 1 बजे तक 40.38% वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश की बात करें 1 बजे तक 39.68% मतदान हुआ है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो 51.87% मतदान हो गया। देखिए अब 3 बजे के भी आंकड़े आने हैं और जिस तरह से लगातार वोटिंग की प्रक्रिया अभी तक जारी है और माना जा रहा है कि जैसे जैसे दिन ढलेगा यानी कि शाम होगी और वोटिंग प्रतिशत में इजाफा देखने को मिलेगा। हालांकि लगातार आपको बता रहे हैं कि 1 बजे तक का आंकड़ा क्या कुछ तमाम प्रदेशों में कहता है। 96 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 1 बजे तक 39.68% मतदान हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 1 बजे तक 30.85% मतदान हुआ है। ओडिशा में 39.30% मतदान। तेलंगाना की बात कर ले तो 40.38% मतदान। तो उत्तर प्रदेश में 39.68% मतदान हुआ है। वेस्ट बंगाल में 51.85% और देखिए बंगाल में लगातार मतदान के जो प्रतिशत हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर 1 से 3 चरण तक की बात कर ले तो लगातार सबसे ज्यादा मतदान में बंगाल वो प्रदेश शामिल है जहां पर बढ़ चढ़ कर मतदाताओं ने हिस्सा लिया है और इस बार भी ये माना जा रहा है कि बंगाल अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बनाता हुआ नजर आएगा। मध्य प्रदेश में अब तक 48.52% मतदान हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 30.85% मतदान हो चुके हैं। अभी 3 बजे का आंकड़ा आना बाकी है। हालांकि इन तमाम आंकड़ों में इजाफा देखने को मिलेगा लेकिन जैसे जैसे और दिन ढलेंगे और शाम होगी तब मतदाताओं की संख्या में भी इजाफा देखने को मिलता है। लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्र में देखने को मिलती है। तो लगातार चौथे चरण का ये मतदान जारी है और इस बीच लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। एजाज हमारे संवाददाता श्रीनगर से जुड़ गए हमारे साथ। दीपक हमारे संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले दीपक आपके पास आते हैं। कानपुर में मुकाबला बेहद ही दिलचस्प है और यही वो एक सीट है जहां पर कांग्रेस पार्टी को गठबंधन में ये सीट मिली है इस चरण में। तो ऐसे में कैसा मुकाबला आप देख रहे हैं, कितना प्रतिशत मतदान कानपुर में सामने आया है, मतदाता कितने जागरूक है? बिल्कुल होते हैं, आपको बता दें चौथे चरण का आज मतदान था। सुबह से ही मतदाता जो है मतबूत पे जा रहे हैं और अपने मता का अधिकार का जो है वो उसका जो है पूरा प्रयोग कर रहे हैं और लगातार मतदाता जो थे उनको देखा गया है बहुत ज्यादा प्रसन्न नजर आए और कहीं ना कहीं उन जो मतदाताओं से जब हमने बात करने का प्रयास किया, हालांकि बात भी उनसे की, तो उनके जो मुद्दे हैं वो चाहे बुजुर्ग हों या नयुवा हों या महिलाएं हों, वो कहीं ना कहीं मोदी जी की गारंटी को लेकर ही मतदान कर रहे हैं। हालांकि कुछ युवा जो है वो कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आए कि इस बार जो है देश की सरकार बदलना है और रोजगार और शिक्षा और जो है जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है ये मुद्दे सारे युवाओं के पास है और इसी मुद्दे को लेकर जो है मतदान कर रहे हैं। अगर बात की जाए कानपुर के अकबरपुर लोकसभा सीट की तो कहीं ना कहीं 2019 में जब देखा गया था तो बसपा के जो प्रत्याशी था वो सेकेंड नंबर पर आया था लेकिन इस बार देखा जा रहा बीजेपी और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, बीजेपी से अकबरपुर सांसद देवेंद्र सिंह भोले और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजाराम बीच, दोनों के बीच मुकाबला तगड़ा देखा जा रहा है। और मतदाताओं की बात करें 1 बजे तक अगर मतदाता प्रतिशत की बात करें तो लगभग 38% जो है मतदान हुआ है। हालांकि सुबह 10 बजे तक मतदाता जो है वो घर से बाहर निकल के आया और अपने मता का जो है प्रयोग किया लेकिन जैसे ही धूप हुई मतदाता तुरंत कम हो गए। हालांकि अब जैसे ही समय ढलेगा वैसे ही देखा जाएगा मतदाता जो है निकल के आएंगे। हालांकि लगातार प्रशासन की तरफ से जो है लगातार मतदाताओं से ये अपील की जा रही है कि अपन मत का जरूर उपयोग करें, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो या लोगों जो लोग जा रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि मतदान जरूर करें। अलावा वहीं अगर बात करें बुजुर्गों की तो बुजुर्ग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा इस महापर्व में ले रहे हैं, जिस तरह अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और जो लोग अभी जा नहीं रहे उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं, जो दिव्यांग हैं जो विकलांग हैं उनको भी व्हील चेयर से लिए जा रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि कानपुर
अकबरपुर की जो सीट है इस बार बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच जो है मुकाबले की टक्कर है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 4 जून को जब मतगणना होगी तब ये तंग होगा कि आखिर ये सीट अकबरपुर की किसके खाते में जाती है, बीजेपी के या फिर इंडिया गठबंधन के। जी उन्नति, ये देखना होगा 4 तारीख को। लेकिन उससे पहले आज का दिन जिस तरह से लोकतंत्र का ये महापर्व हम मना रहे हैं, सबसे ये अपील भी है जिन जिन क्षेत्रों में लोकसभा का इस वक्त मतदान हो रहा है वो सभी अपने घर से निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। हमारे साथ एजाज श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। एजाज, श्रीनगर की क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, अब तक मत प्रतिशत में किस तरह से इजाफा देखने को मिल रहा है और साथ ही जो जनता है वो किन मुद्दों के साथ, किन कामों के साथ इस वक्त मतदान केंद्र पहुंच रही है? सुबह भी आपको बताया जम्मू कश्मीर में तीसरे मरहल में आज श्रीनगर सीट पे मतदान जारी है। मतदाता बहुत जोश व खरोश के साथ घर से निकले वोट डालने के लिए, खासकर अगर पुलवामा की बात करें जो पुलवामा हॉट बैलेट माना जाता है, मिलिटेंट का गढ़ माना जाता है, वहां से भी सुबह से 1 बजे तक बहुत बहुत कतारें देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर डाउन टाउन की बात करें, डाउन टाउन में भी बहुत सारे लोगों ने इस मतदान में हिस्सा लिया है। उसके बाद अगर बड़गाम की बात करें, मैं भी खुद बड़गाम में मौजूद हूँ, मैंने बड़गाम का विजिट किया है, खान साहब एरिया है, वहां पर भी मैंने खुद देखा है बहुत सारे लोगों ने इस मतदान में हिस्सा लिया है। और देखने वाली बात ये होगी कि 4 तारीख का इंतजार रहेगा। बिल्कुल एजाज, और देखिए श्रीनगर हो या जम्मू कश्मीर की जब भी बात होती है कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत और तमाम वोट करने के लिए मतदाता अपने घर से निकले इसके लिए खासा इंतजाम किए जाते हैं, खासा प्रयास भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जब जागरूकता फैलाने के लिए तमाम नुक्कड़ नाटक करते हुए इलेक्शन कमीशन के द्वारा आयोजित किया जा रहा था, क्या उतना ही उत्साह जनता के बीच नजर आ रहा है? बिल्कुल, लोग बहुत खुश हैं, लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि लोग खुशी से घर निकले वोट डालने के लिए, वोट डालने के लिए लोग। मैंने खुद भी अभी डाउनटाउन के कुछ लोगों के साथ मैंने बात की, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उसके साथ भी मैंने बात की, वो लोग बहुत बहुत खुश हैं वोट डालने के लिए। बिल्कुल, देखिए उत्साह नजर आ रहा है और ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहद ही ज्यादा जरूरी तस्वीर भी है, समय की मांग भी है। ठीक है, हमारे साथ यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह जी भी जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, सीधा आपके पास आती हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर घमासान हो रहा है। कन्नौज बात कर लूं, उन्नाव बात कर लूं, लखीमपुर खीरी बात कर लूं, ये तीनों ही बेहद ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है और इन सीटों पर आज कैसा दिलचस्प मुकाबला लगातार जारी है? बेशक उन्नत, ये जो भी सीटें हैं हॉट सीटें हैं और कहीं ना कहीं से किसी सीट पे केंद्रीय राज्य गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी के का भविष्य दांव पे है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के भी किस्मत का फैसला होना है। चूंकि कांग्रेस गठबंधन के बाद हर हाल में अखिलेश यादव का भी प्रयास है कि पिछली बार उनकी पत्नी डिम्पल यादव को कन्नौज से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार वो अपनी सीट को वापस लें, इसके लिए दिन रात एक किए हुए भी थे। हम चूंकि उत्तर प्रदेश इसलिए भी खास हो जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, यहाँ सारे राजनीतिक दल अपना सबसे बेस्ट जो हो सकता है वो करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे सपा और कांग्रेस के गठबंधन की बात में 17 और 63 सीटों पे आपसी सामंजस्य के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी एक तरह से यहाँ ज्यादा दमखम से लड़ती हुई दिखाई दे रही है और उसका नारा भी इस बार 80 में 80 सीट जीतने का दावा है। हालांकि कितना जीत पाती है ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनाव की हम बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी को एक बार 72 सीट, एक बार 64 सीट उत्तर प्रदेश में जीत हासिल हुई थी। ऐसे में उसके हौसले बुलंद हैं और अमेठी और रायबरेली में भी इसको लेकर संग्राम मचा हुआ है। और आज के अगर चौथे चरण की बात कर लें तो कानपुर हो या कानपुर देहात हो या कन्नौज हो या फिर सीतापुर हो, लखीमपुर खीरी हो, ये जितनी है पिछली बार 13 की 13 सीटों पर क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी ने किया था। और इसीलिए मामला और दिलचस्प है क्योंकि इंटर इनकम्बेंसी जैसी कहीं कोई बातें नहीं दिखाई दे रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के प्रति जनता की कोई नाराजगी नहीं दिखाई दे रही है और विपक्ष किसी तरह से सरकार द्वारा सीटें हासिल की गई थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा उसमें सेंध लगाने का एक प्रयास किया जा रहा है,
कि जो उनकी परंपरागत सीटें हैं कम से कम वो राजेंद्र और देखिए पूरे मध्य क्षेत्र में इस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहा है। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, रीढ़ की हड्डी कही जाती है इस मध्य क्षेत्र को, और इस पर कब्जा बीजेपी का है। बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा चुनौती रहने वाली है क्योंकि तमाम वो सीटें हैं जिस पर उनको काबिज रहना है। लेकिन जब बात होती है लखीमपुर खीरी की, तो कहीं ना कहीं वहां से मामला निकलकर सामने आता है कि 5 विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं में से 4 पे बीजेपी का कब्जा है, लेकिन अंदरूनी तौर पर विधायक टेनी को सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे। क्या इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा और इसका फायदा विपक्षी दल उठाते हुए नजर आएंगे? रितु, इस तरह की बातें सुनने को आती है कि विधायकों का समर्थन नहीं है या विधायक नाराज है, लेकिन ये वो लोकसभा सीटें हैं या विधानसभा सीटें हैं जहां पे कि जब किसान आंदोलन चल रहा था, जब अजय मिश्रा टेनी के बेटे द्वारा का एक्सीडेंट हुआ था, कार एक्सीडेंट जिसमें कुछ किसानों की मौत हो गई थी, तो उसके बाद भी जब चुनाव हुआ तो वहां भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त समर्थन मिला था और भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत दर्ज की थी। और इस बार भी शुरू में सुनने में आया कि विधायकों का समर्थन नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जब कोई जानकारी मिलती है तो जो शीर्ष नेतृत्व है वो सारे गिले सिकुए को बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर लेता है, और वहां भी यही हुआ। सारे विधायकों को मान मुनवल करके जिनको जो असंतुष्टि के भाव थे उसको पूर्ति करने के वादे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक स्ट्रेटजी के साथ वहां भी सारे समीकरण को सेट करते हुए दिखाई दी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर हमको 400 पार का हम नारा दिए हैं उसे जीतना है तो उत्तर प्रदेश में हमें कितनी बड़ी जीत की दरकार है, और उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं में जो असंतुष्टि के भाव थे उसको तो दूर किया ही किया जी। इसके अलावा जो विपक्ष के नेता थे, चाहे हम बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, इनमें जो असंतोष वाले नेता थे उनको भी अपने पार्टी में शामिल करने का काम किया, और इसके तहत भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रही। और तमाम दिग्गजों की दाव शाख पर लगी हुई है, साख दाव पर लगी हुई है, और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इस बार का ये चुनाव दिलचस्प हो सकता है। लौटूंगी तमाम जानकारियां और भी ग्राउंड जीरो पर क्या तस्वीरें वो भी लूंगी, लेकिन इस बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार 96 सीटों पर आज मुकाबला हो रहा है चौथे चरण में, और लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। बहराइच चल लेते हैं सीधा, जहां से हमारे संवाददाता शुभम जुड़ गए हमारे साथ। शुभम, क्या तस्वीरें बहराइच से देखने को मिल रही हैं? कैसा मुकाबला मतदाताओं के दिलो दिमाग में क्या है? मैं ऋतु आपको बता दूं कि जो है ना दोनों पार्टी में मुकाबला देखा जा रहा है, क्योंकि गर्मी और तपिश भरी धूप में भी मतदाताओं में एक उत्सव देखा जा रहा है। लगातार मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़, लंबी भीड़ देखी जा रही है, और दिव्यांग, चाहे वो दिव्यांग मतदाता हो या बुजुर्ग हो, बड़े उत्सव के साथ सब मतदान करने जा रहे हैं। बिल्कुल शुभम, और देखिए ये उत्साह लगातार बना रहे, इस प्रयास में भी लगातार इलेक्शन कमीशन भी लगा हुआ था। दीपक हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। दीपक, इस वक्त कानपुर में जिस तरह से रोड शो प्रधानमंत्री का होता है, उस रोड शो को देखकर पता चलता है कि इस वक्त कानपुर की जनता की हवा किस तरफ है। एक भारी संख्या में सड़कों पर जन समर्थन मिला था, कहीं ना कहीं उस तस्वीर को देखकर ये माना जा रहा था कि कानपुर में ये मुकाबला शायद एक तरफा हो सकता है, लेकिन धीरे ये भी कहा जा रहा है कि ये मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है। बिल्कुल, उनसे आपको बता दें, जिस तरीके से जब प्रत्याशी बीजेपी ने घोषित किया था रमेश अवस्थी को, जो पेशे से जर्नलिस्ट थे, इसके बाद कानपुर की जो कार्यकर्ता बीजेपी के थे या नेता थे, वो कहीं ना कहीं नाराज दिखे थे। तो उसको देखते हुए बीजेपी के जितने भी वरिष्ठ नेता थे, वो चाहे गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, लगातार जनसभाएं की ताकि जो कानपुर शहर की सीट है वो बीजेपी के खाते में आए, क्योंकि 2019 में भी बीजेपी के खाते में सीट रही थी, तो 24 में भी वो अपने खाते में करना चाहते थे। इसी को
लेकर प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रोड शो किया था जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल रहे। हालांकि जो रोड शो हुआ उसमें काफी तादाद में लोग वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद जो समीकरण था जनता का वो एक तरफ बदल गया और जनता से जब हमने बात भी की तो जनता ने कहा कि इस बार भी तीसरी बार जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे क्योंकि देश सुरक्षित हाथों में और लगातार 10 साल में जो विकास कार्य हुए बीजेपी सरकार में वो पिछले 10 साल जो अन्य सरकारें रही उस सरकार पे नहीं हुए, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए या देश की बात कर ली जाए। अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पूरे देश में जो है लोग देखने के लिए इच्छुक रहते हैं, उनके बयानों के लिए इच्छुक रहते हैं, जिस तरीके से उनके बयानबाजी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो एमपी हैं उनके रहते हैं, तो जनता का मूड जो है कानपुर का कहीं ना कहीं वो एक बार फिर मोदी जी की गारंटी पर टिका हुआ है। लेकिन वही अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के जो दोनों नेता थे, चाहे इंडिया गठबंधन के, चाहे राहुल गांधी की बात कर ले, चाहे अखिलेश यादव की बात कर ले, उनकी भी ताबड़तोड़ जनसभा हुई है और 7 साल बाद दोनों नेता एक साथ जो है कानपुर में उन्होंने जनसभा की, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, तो वो भी एक समीकरण जो था जनता के बीच कहीं ना कहीं एक संदेश पहुंचा कि इस बार जो है क्योंकि विपक्ष के पास जो मुद्दे हैं जनता के बीच जाने के लिए वो मुद्दे गिने चुने मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी हो गया, कानून व्यवस्था हो गई, स्वास्थ्य हो गया, किसान के हो गया, किसान का एक बड़ा मुद्दा है आवारा पशु, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाता है जो किसान है वो अब 6 महीने जो है फसल करते हैं इसके बाद अपने घर लाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो किसान है वो रात भर अपनी फसल रखाते हैं, ये एक नाराजगी देखी गई है किसानों के बीच में जो ग्रामीण क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है बीजेपी को भरना पड़ेगा। लेकिन जो जनता है वो या शहर की हो या ग्रामीण की हो कहीं ना कहीं मोदी जी के गारंटी पर ही उतर रही है। लेकिन अब देखना यही होगा कि 4 जून को दिल्ली के सिंहासन में कौन बैठता है, क्योंकि कहा जाता है उत्तर प्रदेश दिल्ली का रास्ता अगर जाना है तो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। ये तमाम सारे मुद्दे विपक्ष के पास भी और जो है जनता के बीच भी है, बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, मुकाबला भी दिलचस्प है क्योंकि कई दिग्गज मैदान में है। ठीक है, रुक कर लेते हैं एजाज आपका, श्रीनगर वासियों के लिए देखिए अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं उनके लिए सुरक्षा का है और जैसे अब उनको उम्मीद मिली है, अब उस उम्मीद के बाद उनका जो बदला हुआ विजन है वो क्या कह रहा है, वो क्या सपने देख रहे हैं अपने लिए? चलिए शायद एजाज से हमारा संपर्क टूट गया है। राघवेंद्र आपके पास आती हूँ सीधा, क्योंकि लगातार हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में चर्चा कर रहे हैं, मुकाबला खास है, 13 की 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, लेकिन जिस तरीके से क्योंकि बार बार कन्नौज का जिक्र इसलिए भी क्योंकि अखिलेश यादव मैदान में उतरे हैं और सुब्रत पाठक उनको टक्कर दे रहे हैं, लेकिन देखिए 2019 में हम लोग ने देखा था कि किस तरीके से बीएसपी भी साथ में थी, तब भी ये सीट नहीं बचा पाई थी, डिंपल यादव हार गई थी इस सीट से, लेकिन अब क्योंकि सुब्रत पाठक वर्सेज अखिलेश यादव है, डिंपल यादव नहीं है, क्या इसका असर देखने को मिल रहा है सीट पर? उन्नत, अगर हम बात कन्नौज की करें और गठबंधन की बात करें तो अगर पिछले कुछ चुनावों की बात कर लें हम विधानसभा की और लोकसभा की, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी द्वारा कभी बसपा से, कभी कांग्रेस से, कभी सुभाषपा से, कभी आरएलडी से ये मुख्य गठबंधन किए गए, लेकिन ये गठबंधन सफल नहीं हुए और जनता ने इन्हें नकार दिया। और ये भी माना गया था कि कन्नौज में जो बसपा का वोट था वो ट्रांसफर नहीं हो पाया था समाजवादी पार्टी को, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो पिछड़ा वर्ग है, दलित है, वो या तो कांग्रेस के साथ जाना चाहता है या बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ रहना पसंद करता है और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना पसंद करता है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाना पसंद करता है। कारण हमको, आपको, सबको पता है, अगर ग्रामीण लेवल की बात कर लें तो जहाँ पे अगर दलितों के साथ सर्वाधिक शोषण होते हैं या उस तरह की वाकया वारदात होती हैं तो उसमें कई ऐसे नेताओं के नाम आए जिनका जुड़ाव समाजवादी पार्टी से रहा। अब बात आती है कि अगर पिछले चुनाव में डिंपल यादव को हार का सामना करना पड़ा था तो इस बार अखिलेश यादव क्या जीत पाएंगे? ये सवाल इसलिए भी वाजिब है क्योंकि सबसे पहले तेज प्रताप यादव को कन्नौज का प्रत्याशी बनाई थी समाजवादी पार्टी ने, उसके बाद से अखिलेश यादव खुद प्रत्याशी बनकर मैदान में आए और जब वो प्रत्याशी बनकर आए तो उनका एक बचकाना बयान आया था सामने कि कन्नौज की जनता तेज प्रताप को उपचुनाव में अपना सांसद देखना चाहती है, और ये बयान भारी भी पड़ सकता है क्योंकि इस तरह के बयान से स्पष्ट संदेश जाता है कि आप कन्नौज को उपचुनाव में ढकेलना चाहते हैं, तो ऐसे में जनता क्या निर्णय लेगी ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन लड़ाई टफ है, नेक टू नेक है, हार जीत का अंतर कम ही वोटों के अंतर से होगा, लेकिन अखिलेश यादव के लिए राहें इतनी आसान नहीं है
वो अलग बात है कि कांग्रेस से उनका गठबंधन है, कितना एक दूसरे का वोट शेयरिंग वो लोग ट्रांसफर कर पाते हैं तो समय बताएगा, लेकिन राहें अखिलेश की उतनी आसान नहीं है जितना वो समझकर राघवेंद्र। इसके साथ ही चूंकि कन्नौज सीट की जब बात होती है तो 1998 से लेकर 2019 तक समाजवादी पार्टी का ये गढ़ रही। 2019 में मोदी लहर में डिम्पल यादव भी नहीं टिकी, परिवार की होते हुए भी तमाम भाभी बोलते उसके बावजूद महज 12,000 वोट से हारी थी। ये 12,000 वोट कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा नासूर बन गया था। अब जब अखिलेश यादव पहले किसी और कैंडिडेट का ऐलान करते हैं, एन वक्त पर आकर कैंडिडेट बदलते हैं और अखिलेश यादव खुद मैदान पर उतरते हैं, क्या उन्हें हार का डर सता रहा था या फिर समाजवादी पार्टी की यह रणनीति थी कि बीजेपी अपना कैंडिडेट ना बदल सके और सीधे तौर पर यह जीत एक तरफा समाजवादी पार्टी की तरफ जाए, ये फैसला? ऋतु, कन्नौज की बात कर लें और परंपरागत सीटों की जो आपने जिक्र किया, इस पर एक दो लाइन बोलना चाहूंगा। परंपरागत सीटों की जो एक फेहरिस्त चली आती थी उस पे अब 2014 के बाद से काफी लगाम लगा है, और वो भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बसपा हो, जो भी परंपरागत सीटें थी उसको डेंट किया इस मतदाताओं ने। अगर गोरखपुर फूलपुर की बात कर लें तो उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, वहीं अमेठी में राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था, और यही कन्नौज है जहां पे डिंपल यादव को हार का सामना करना पड़ा था। अखिलेश यादव गए तो इसीलिए हैं कि हम चुनाव जीते, लेकिन जो प्रत्याशी चयन था, पहले किसी और को लाना फिर पुनः जाना और इस तरह के बयान देना, ये दिखाता है कि आप एक स्ट्रेटजी से भले गए हो लेकिन ये स्ट्रेटजी आपको भारी पड़ सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से पहले से ही तय था कि कन्नौज से सुब्रत पाठक लड़ेंगे और मैनपुरी से जिस दिन ये तय हो गया था जयबीर सिंह चुनाव लड़ेंगे, तो वो भी प्रत्याशी फाइनल थे। हाँ, इतना जरूर है अब अगर कोई मैदान में नहीं निकलता है, अगर जनता के बीच में नहीं जाता है, जनता की समस्याओं को नहीं उठाता है और उनके लिए आंदोलन नहीं करता है, तो अब वो राजनीति के दिन ढल गए कि आप बंद एसी कमरे में बैठे रहेंगे और आपका मतदाता सिर्फ आपको वोट इसलिए दे देगा कि आपके पार्टी को पसंद करता है। अब मतदाताओं को भी वही नेता पसंद आ रहा है जो पसीना बहा रहा भी है, वो अपने लिए सही चुनना जानता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, लगातार आप लोग नजर बना के रखिएगा। तो लगातार चौथे चरण की बड़ी कवरेज जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।